अस्सलाम वालेकुम। आपका जो सेक्शन 60 सीआरपीसी है, ये पाबंद कर रहा है जो आपके जितने पीछे से सेक्शन चाह रहे हैं 54 से ऑनवर्ड्स, इसके अंदर पुलिस विदाउट वारंट ऑफ अरेस्ट किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है। तो सेक्शन 60 इस बात को लिमिट कर रहा है कि अगर पुलिस किसी को भी गिरफ्तार करती है तो विदाउट अननेसेसरी डिले जो है वो फॉरेन मैजिस्ट्रेट साहब के सामने उसको पेश करेगी। अगर तो बेल ग्रांट कर दी जाती है 496 के अंदर, जो कि पुलिस को भी इस बात की अथॉरिटी है कि वो किसी बेलेबल ऑफेंस के अंदर बेल ग्रांट कर सकती है, तो अगर ऐसी सूरत है फिर तो ठीक है। उस सूरत में तो वो बेल लेके उसको डायरेक्ट कर देगा कि आप मैजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश हो जाएं, और वो फिर 173 की फॉर्म के अंदर उसकी रिपोर्ट सबमिट कर देगा और साथ वो बेल बॉन्ड लगा देगा। लेकिन अगर वो उसको बेल आउट नहीं करता तो उस सूरत के अंदर वो विदाउट अननेसेसरी डिले मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का पाबंद है। सेक्शन 61 आप लोग कल पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर 24 आवर्स की लिमिट है, और सेक्शन 60 और 61 को मिला के आप लोग पढ़ेंगे तो इसका मतलब ये है कि जो मिनिमम टाइम है पेश करने का अरेस्ट के बाद, वो कोई नहीं है। वो अरेस्ट करने के एक मिनट बाद भी पेश किया जा सकता है, और लेकिन सेक्शन 61 और आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, इन दोनों को मिला के अगर पढ़ेंगे तो मैक्सिमम पीरियड अरेस्ट के बाद 24 आवर्स से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर 24 आवर्स से ज़्यादा हो जाता है और ऐसा कोई ट्रैवल नहीं होता, जर्नी का टाइम नहीं होता, तो उस सूरत में ये पुलिस ऑफेंस कमिट करेगी और उसके खिलाफ पुलिस ऑर्डर 2002 के तहत भी प्रोसीड किया जा सकता है, और PPC के अंदर भी जो रॉन्गफुल आपकी कन्फाइनमेंट है उसके तहत भी को पुलिस को FIR उन पे दी जा सकती है। फिर उसके बाद आपका जो सेक्शन 62 है, वो ओवरऑल जो आपका डिस्ट्रिक्ट बॉडी सिस्टम है, जो आपका ज़िलाई निज़ाम है इसका बल्दियाती, उसके अंदर ये जो कुछ डेजिग्नेशन है उनको भी पुलिस कुछ अरेस्ट और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की पाबंद है, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप उसको देख लें। उसके बाद सेक्शन 63 है, ये डिस्चार्ज से रिलेटेड है, लेकिन हम उसको इस टॉपिक में टच नहीं करेंगे, हम उसको अलग से एक्विटल और कैंसिलेशन वगैरह के साथ गो थ्रू करेंगे, ताकि उनका जो आपस में लिंक है या वो इंटर रिलेटेड है, वो आपको कंसेप्ट सिर्फ उस सूरत के अंदर समझ आएगा। इसके अलावा फिर आपके जो सेक्शन 64 और 65 CRPC हैं, ये आपके डील कर रहे हैं कि अगर मैजिस्ट्रेट साहब की मौजूदगी के अंदर कोई ऑफेंस होता है उनकी लोकल लिमिट्स के अंदर, तो उस सूरत के अंदर मैजिस्ट्रेट किसी भी शख्स को ख़ुद भी अरेस्ट कर सकते हैं या किसी को भी वो डायरेक्शन दे सकते हैं किसी को अरेस्ट करने की। और 65 ये कहता है कि अगर एक शख्स है उसका मैजिस्ट्रेट साहब वारंट इशू करने के मजाज हैं, उनका थाना है, और वो उस शख्स को अपने सामने देखते हैं, अपनी मौजूदगी में देखते हैं, तो उस सूरत में भी वो किसी को डायरेक्शन दे सकते हैं कि वो उसको अरेस्ट कर सकें। तो ये अरेस्ट की जो मैजिस्ट्रेटियल पावर हैं वो 64 और 65 डील कर रहा है इन दोनों पावर्स को। फिर आपके बाद इसके बाद आपका सेक्शन 66 आ जाता है, और सेक्शन 66 भी कहता है कि अगर कुछ ऑफेंसेस हैं पाकिस्तान पिनल कोड में 200 से ऑनवर्ड्स, अगर कोई लॉफुल कस्टडी से एस्केप कर जाता है, पुलिस की कस्टडी से एस्केप कर सकता है, या अगर मैजिस्ट्रेट साहब भी उसको पाबंद कर देते हैं कि आपको अरेस्ट किया जाता है और उसको उसके बावजूद वो एस्केप करने की कोशिश करता है, तो 66 है वो ये कहता है कि जिसकी कस्टडी से वो एस्केप करता है वो मजाज है इस बात का कि उसको परसू करे, फॉलो करे, उसका पीछा करे, और पाकिस्तान के अंदर उसको जहाँ पे भी हो जाके वो अरेस्ट कर ले। फिर आपका सेक्शन 67 है, वो सारी पिछली जो आपकी प्रोविजंस हैं 47, 48, 49 और 46, उन सब को डील कर रहा है कि जो भी उसके अंदर जो अरेस्ट है इसका अंडर सेक्शन 47, 48, 49 और 66, वो कहते हैं कि उस अगर कोई शख्स के पास वारंट ना भी हो तो उसके पास वही अथॉरिटी होगी जो अगर किसी पुलिस ऑफिसर के पास है, तो वही अथॉरिटी उस शख्स के पास भी होगी अगर वो उसको फॉलो करके अरेस्ट करता। तो ये आपका चैप्टर जो है चैप्टर 5, ये यहाँ पे आके 67 CRPC पे कंप्लीट होता है, जो टोटल आपकी अरेस्ट को और दीगर चीज़ों को पुलिस की पावर्स को